सावन के तीसरे सोमवार पर प्राचीन सिद्धनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में भव्य आरती एवं जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रही। मंदिर के कपाट खुलने पर महंत गजानंद पुरी ने बाबा को नर्मदा जल से स्नान करवाकर भस्म लेपन किया। लेपन के बाद आरती कर भक्तों के लिए गर्भगृह में प्रवेश प्रारंभ किया। देवास में भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। दोपहर में बाबा का रजत पात्र से अभिषेक कर भोज अर्पण किया गया। शाम 4 बजे मठ प्रांगण में बाबा का शाही श्रृंगार किया गया। उन्हें चांदी की पालकी में विराजमान कर महापूजन किया गया। भक्तों ने बाबा सिद्धांत को चांदी की पालकी में विराजमान कर यात्रा निकाली। यात्रा को नगर के प्रमुख मार्ग से भ्रमण कराते हुए मंदिर परिसर में ले गए, जहां पुनः बाबा की आरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। नगर में भगवान भोलेनाथ सिद्धनाथ भगवान चंद्रमोले स्वरूप में नगर भ्रमण पर निकलेंगे और निकल रहे हैं, और नगर की जनता द्वारा बड़े उत्साह के साथ पूरे नगर में उनका स्वागत जगह जगह पूजन और अभिनंदन भगवान का पूजन किया जा रहा है। और इस अवसर पर हमारे महंत जी द्वारा जो निरंतर और पूरे नगर की जनता के द्वारा जो व्यवस्था की जा रही है, इस अवसर पर सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान सिद्धनाथ भूत भावेश्वर भगवान चंद्र बोलेश्वर स्वरूप धारण करके नगर भ्रमण पे अपनी प्रजा का हालचाल लेने के लिए नगर नेमावर में निकले हैं। भक्तों के द्वारा जगह जगह उनका पूजन किया गया, अर्चन किया गया, श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया गया। भगवान से प्रार्थना की गई कि गाँव का मंगल हो, सबकी मनोकामना पूर्ण। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।